हेलो दोस्तों, मैं अमनदीप सिंह स्वागत करता हूँ ਤੁਹਾਡਾ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस चैनल में ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सबसक्राइब करो, लाइक करो तो शेयर करो, वीडियो पूरी देखो। तो दोस्तों अज अं तुम दसागे कि फॉर्म नूं असी किस तरह शो कर सकते हैं विद डिफरेंट कोडिंग। ये असी क्लास DLL फाइल ना शो किया, तो जिहड़ा थले कमेंट मार गया वो असी होर कोडिंग ना शो किया, यानी कि फॉर्म के लिख के तो क्लास DLL फाइल ना भी शो कर सकते हैं। दोस्तों बहुत शॉर्ट कोडिंग दे विच कीता, इत्थे करदे हां स्टार्ट F2। दोस्तों ये टास्क बार विच शो नहीं कर रहा, तो इस तरह देखने विच भी बहुत चंगा लगता। इस तरह असी थर्ड फॉर्म भी शो करांगे, तो ये भी टास्क बार विच शो नहीं कर रहा। दोस्तों ये वीडियो पूरी देखियो, तो वह सबसक्राइब करो, लाइक करो तो शेयर जरूर करो, तो कमेंट बॉक्स में भी लिखना ना भुल्यो। तो दोस्तों हूँ असी करते हैं स्टार्ट। न्यू प्रोजेक्ट ते क्लिक किया, दोस्तों फॉर्म नूं शो करन दी अकॉर्डिंग बहुत तरह दियां हुंदियां ने, ते लेकिन तुहानूं असी शॉर्ट विच दसांगे कि इको वारी अकॉर्डिंग लिखनी है तो फॉर्म नूं शो करन वास्ते। इत्थे असी प्रोजेक्ट नेम लिखिया, शो फॉर्म विद डिफरेंट अकॉर्डिंग। दोस्तों तुहानू हर वीडियो विच कोई ना कोई नवा जरूर सीखने को मिलेगा, इस करके सबसक्राइब जरूर करते रहो, तो वीडियो में स्किप ना करो, पूरी देखो। स्टार्ट पोजिशन यदि करांगे सेंटर स्क्रीन, फॉर्म 1 असी मेन फॉर्म बनाया, विंडो स्टेट मैक्सीमाइज, फॉन्ट एदा थोड़ा वड्डा कर लाँगे, फॉन्ट 10 करांगे। हुण इत्थे असी लवांगे मीनू स्ट्रिप, इत्थे लिखांगे ओपन फॉर्म, सॉरी पी कैपिटल च पै गया, ओपन फॉर्म। दोस्तों अं मीनू स्ट्रिप राही भी अं फॉर्म शो कर सकते हैं, ट्री व्यू राही भी कर सकते हैं, ट्री व्यू राही भी असी तुहानू दसांगे। फॉर्म 2, फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4। हुण असी लवांगे सोल्यूशन एक्सप्लोरर ते जाके राइट क्लिक करके एड क्लास फॉर्म, सॉरी क्लास फाइल नेम चेंज करांगे दा अंडरस्कोर शो फॉर्म एड। इत्थे असी कोडिंग करांगे, उस तो पहला असी फॉर्म ऐड करते हैं होर, विंडो फॉर्म, सैकेंड फॉर्म, हुण करांगे थर्ड फॉर्म। हुण असी फोर्थ फॉर्म भी लवांगे, इन्हां नूं कर दांगे क्लोज। इत्थे असी करांगे हुण कोडिंग, एंटर पब्लिक ओवरलोड शेयर्ड फंक्शन शो फॉर्म सेकेंड ब्रैकेट एंड एंटर। हुण इत्थे असी करांगे डिम लोकल ऑब्जेक्ट फॉर्म दा F2 एज फॉर्म नेम, फॉर्म सेकेंड इज इक्वल टू न्यू फॉर्म सेकेंड, F2 डॉट शो इन टास्क बार इज इक्वल टू फॉल्स। दोस्तों ये लिखने नाल टास्क बार विच
सैकेंड फॉर्म या जिहड़ा भी फॉर्म असी शो करते हैं वह टास्क बार शो नहीं हुंदा। F2 डॉट शो डायलॉग, डायलॉग लिखन नाल की हुंदा कि वह फॉर्म ते ही असी लिख सकते हैं, कोई चेंज कर सकते हैं, मेन फॉर्म डीएक्टिवेट हो जाएगा। इतने असी करांगे रिटर्न F2 डॉट शो डायलॉग। हुण इसनूं असी करांगे कॉपी सारे नूं। तो इतने असी कर देंगे पेस्ट, फिर कर देंगे पेस्ट। हम शो फॉर्म सैकेंड की अं करांगे थर्ड, फिर असी करांगे फोर्थ। फॉर्म नेम चेंज करांगे, फॉर्म सैकेंड तो थर्ड करांगे। इसे नूं कॉपी किया तो न्यू तो अगे असी इनू सिलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे। इस तरह ही फोर्थ फॉर्म बारे भी इतने करांगे, कॉपी सिलेक्ट करके फिर पेस्ट। ठीक है जी, हूँ इसको असी कर देंगे क्लोज, सेव, यस। तो इतने डबल क्लिक करांगे, हूँ जिहड़ी क्लास असी लई सी जो नेम रखिया उहदा क्लास शो फॉर्म इत्थे असी लिखांगे क्लास शो फॉर्म डॉट शो फॉर्म सैकेंड। थर्ड ते भी डबल क्लिक किया, फोर्थ ते भी डबल क्लिक किया, इनू कॉपी किया पेस्ट, फोर्थ दे पेस्ट, थर्ड वाले थर्ड कर देंगे। तो फोर्थ वाले फोर्थ कर देंगे। तो हम करते हैं असी स्टार्ट। दोस्तों इको बारी कोडिंग करन दी लोड़ है, सानू बार बार सानू नहीं लिखना पड़ेगा, बहुत ही शॉर्ट च आएगी कोडिंग। ये डीएक्टिवेट हो गया शो डायलॉग लिखन मेन फॉर्म, तो टास्क बार भी शो नहीं कर रहा। हुण इन मिनीमाइज करांगे इस नूं असी, तो मेन फॉर्म भी मिनीमाइज हो जाएगा। देख लो हुण इसे तरह असी थर्ड फॉर्म नूं भी शो करांगे। ये टास्क बार भी शो नहीं कर रहा, फिर फोर्थ फॉर्म में भी शो किया। तो भी टास्क बार भी शो नहीं कर रहा। दोस्तों प्रोफेशनल कोडिंग आ, जदों टास्क बार विच सैकेंड फॉर्म शो हो जाता तो इं लगता अनप्रोफेसनल बंदे ने किया। हुण सैकेंड फॉर्म ते डबल क्लिक किया, व्यू कोडिंग ते जावांगे। हुण इत्थे असी कोडिंग करांगे, इत्थे भी असी कोडिंग करके फॉर्म नूं शो कर सकते हैं, पर सानूं इत्थे एक वारी कोडिंग लिखण दी लोड़ है। बार बार हर जगह ते डिम करन दी लोड़ नहीं, बार बार सब कुछ करन दी लोड़ नहीं। पब्लिक ओवरलोड शेयर फंक्शन शो, दोस्तों इत्थे जिहड़ा शो लिखना है वह एस समॉल लैटर च होना चाहिए जी। डिम लोकल ऑब्जेक्ट F2 एज फॉर्म सैकेंड इज इक्वल टू न्यू फॉर्म सैकेंड। हुण इत्थे असी शो टास्क बार नहीं करांगे तुहानू दिखाउण लई कि किस तरह फॉर्म जिहड़ा सैकेंड है जिहड़ा शो करांगे वह टास्क बार विच वह भी शो होएगा। इत्थे करांगे रिटर्न, उस तों पहलां असी करदे हां इहनू शो डायलॉग। इस दे अगे असीं लिखांगे रिटर्न, ठीक है जी। इसे नूं असीं कर लांगे कॉपी, तो फॉर्म थर्ड दे विच जा के व्यू कोड इत्थे कर देंगे असीं पेस्ट। तो पेस्ट करन तो बाद असीं इहदा नेम कर देंगे चेंज, फॉर्म टू तो थर्ड करांगे, थ्री करांगे। इहनूं कॉपी किया तो इत्थे कर देंगे पेस्ट।
ਅਤੇ ਓਬਜੈਕਟ ਨੇਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਥਰੀ। ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਥ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਊ ਕੋਡਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸੋਰੀ ਫੋਰਮ 3rd ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਪੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਪੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਰਥ ਫੋਰਮ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੇਸਟ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ F4 ਫੋਰਮ 4। ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ F4। ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਇਨ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਮ 'ਤੇ, ਫਸਟ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਮ ਨੇਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫੋਰਮ 2nd ਡੋਟ ਸ਼ੋ। ਦੋਸਤੋ ਯਾਦ ਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਸਮੋਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮੋਲ ਲੈਟਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ, ਫੋਰਮ 3rd ਡੋਟ ਸਮੋਲ ਲੈਟਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4th ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰਕ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੋਰਮ 4th ਡੋਟ ਸ਼ੋ ਸਮੋਲ ਲੈਟਰ ਵਾਲਾ, ਸਮੋਲ ਐਸ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਨ ਫੋਰਮ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੋ ਇਨ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੋਰਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੋਰਮ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੋਰਮ 2nd 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਊ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਐਂਟਰ ਮਾਰ ਕੇ F2 ਡੋਟ ਸ਼ੋ ਇਨ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਾਲਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3rd ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, F3 ਡੋਟ ਸ਼ੋ ਇਨ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਾਲਸ। ਫੋਰਥ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ। ਹੁਣ ਫੋਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਬਾਏ।